रॉयल कंदर सीसी के 12th मैन को गुजारिश है कृपया कमेंट्री बॉक्स के पास आए। रॉयल चलिए दोनों ही टीमें मैच जल्द से जल्द शुरू करें। ओपनिंग बैट्समैन आ चुके हैं, एक्स्ट्रा खिलाड़ी भी जल्द से जल्द भेजे कमेंट्री बॉक्स में। सर सर एक मिनट, एमडी वसीम बॉलर नेम चलिए हम वही बात कर रहे थे कि यहाँ पर बहुत दूर दूर से दर्शक आए इस मुकाबले को देखने के लिए और यहाँ पर मैच जल्द से जल्द स्टार्ट करें। दर्शक इंतजार कर रहे हैं आपका खेल देखने के लिए और खास तौर पर मुखेड़ से आए हैं हमारे आशीष अग्रवाल इस मुकाबले का आनंद लेने के लिए। 200 किलोमीटर दूर से यहाँ पर एक सिर्फ मैच देखने के लिए आए है, तो कितने दर्दी दर्शक है आप जान सकते हैं। मैच स्टार्ट करने का इशारा आता हुआ अंपायर का और रन संख्या है, बढ़िया गेंद बैकफुट पर गए, एक रन से खाता खोला और शॉर्ट रन वार्निंग, पहली रन पर वार्निंग है। तो ओ बढ़िया गेंद, यॉर्क लाइन की गेंद थी, इसी तरह की गेंद का सामना किया था पिछली बार खालिद ने और एक बार फिर से उसी तरह की गेंद उन्हें जड़ में डाली गई गेंदबाज द्वारा। गेंदबाज भी बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, उन्होंने देखा कि इस तरह की गेंद पर खालिद आउट हुए थे तो क्यों ना उन्हें फिर उसी तरह से गेंद डाली जाए, लेकिन गेंद जैसे तैसे बचा लिया इस गेंद को। कुछ दिक्कत है वहां पर स्क्वायर लेग अंपायर की तरफ से, थ्रो चेक करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, डाल दीजिए गेंद, डालने दीजिए, हम जरूर चेक करेंगे अगली गेंद पर। ठीक है, लेग स्टंप पर थी गेंद, ये वाइड गेंद होंगी लेकिन फेयर डिलीवरी भी होंगी। जब हम चेतावनी देते हैं उसके बाद गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करते हैं, उसके बाद तुरंत अपने आर्म्स को सीधा रखते हैं, ये होना ही चाहिए क्योंकि क्रिकेट है, क्रिकेट में फेयर क्रिकेट खेलना चाहिए, कोई भी चीटिंग नहीं चाहिए, चीटिंग अगर करते हैं तो पकड़े जाएंगे तुरंत। तो इस मैच का आनंद ले रहे हैं और बहुत ही बढ़िया शॉट यहाँ पर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, पॉइंट डी पॉइंट पर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाते हुए इस बार बल्लेबाज। आणि पंच स्लीव फुल स्लीव जर असतील तर त्यांना स्लीव वर करायला सांगा।
बिल्कुल, जो कुछ कुछ गेंदबाज होते हैं वो इस तरह की चतुराई भी करते हैं कि फुल स्लीव्स पहनकर गेंदबाजी करते हैं ताकि आर्म्स में जो बेंड है, जर्क है, वो पकड़ा ना जाए। लेकिन उसके लिए भी हमारे पास में ऑप्शंस है कि आप स्लीव्स को आधा कर दें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद गेंदबाज। तो हम बात कर रहे थे कि ऑनलाइन इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं मुखेड़ से सन्माननीय सोमनाथ अन्ना बंडे, बंडे मित्र परिवार के एक जबरदस्त व्यक्तिमत्व, और खास तौर पर उन्होंने उनके तरफ से हिंगोली आयोजन कमेटी को, आकाश कदम और उनके सभी सहकर्मी को शुभेच्छाएं दी है। सर, ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और हाल ही में जो वहां पर नमो चषक हुआ, बहुत बड़ा टूर्नामेंट खेला गया, बड़े बड़े नामचीन खिलाड़ी वहां पर बुलाए गए। उस नमो चषक के सेमीफाइनल में हिंगोली की टीम, सर फाइनल फाइनल में पहुंची थी और रनर अप भी रही थी। तो अच्छे खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी करते हैं सोमनाथ जी बंडे, इसीलिए उन्होंने खास तौर पर इस आयोजन कमेटी को शुभेच्छा भेजी है। आयोजन कमेटी की ओर से उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और उनके सभी टूर्नामेंट्स में अच्छे अच्छे खिलाड़ी आते हैं इसलिए उनको भी बहुत सारे शुभकामनाएं। चलते हैं मैदान की तरफ। अगला जो मुकाबला होने वाला है हाई वोल्टेज मुकाबला होगा। फिलहाल अभी जो मुकाबला चल रहा है अंश राजे पाटिल उदगीर और नगीना रॉयल, माफ कीजिएगा, रॉयल कंधार स्कोरर। मैच अपडेट करें, स्कोरर कुछ गलती हुई है आपसे, रॉयल कंधार और नगीना रिसोड है, रॉन्ग मैच सिलेक्शन भाई। फैसल जो हमारे YouTube के स्कोरर है, थोड़ी सी गलती हुई है उनसे, अंश राजे टीम जीत चुकी है, उनका मुकाबला नहीं है, ये मुकाबला है रॉयल कंधार। इस मैच को वैसे ही रहने दे और नेक्स्ट मैच क्रिएट करें। पहले ओवर से बने हैं 15 रन। चलिए मैच स्टार्ट रखें, आप मैच जारी रखें, मैच में कोई देरी नहीं होगी क्योंकि पेपर स्कोरिंग भी है वहां पर, तो तुरंत अपडेट कर लिया जाएगा। आप मैच स्टार्ट रखें। इस मैच के अंपायर है धीरज काले उर्फ टिंकू और महेश देशमुख MD। देखिए, हमने मैच शुरू होने से पहले धीरज काले को कहा था अंपायर की भूमिका में रहे। यहाँ पर देखिए गेंद पैड पर लगी है, निश्चित रूप से इस तरह की गेंद अगर तीसरे अंपायर के तरफ रिव्यू के लिए जाते और अगर लेग बिफर होता तो बिल्कुल ये स्टंप के सामने पकड़े गए थे, लेकिन यहाँ पर लेग बिफोर का नियम नहीं रखा गया है। बिल्कुल बिल्कुल मिडल थी ये गेंद। तो रन संख्या बड़ा प्रहार और डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक। अतुल शेलके जी कहते हैं कि घुटना टेक टेक और चौकार देख। तो मुकाबला यहां पर जो खेला जा रहा है रॉयल कंधार वर्सेस नगीना रिसोड, जिसमें नगीना रिसोड ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था और पहले ओवर के चलते चलते रन संख्या 15 पर जा पहुंची है और दूसरे ओवर की कुछ गेंदें हुई है और रन संख्या है, एक बार फिर से घुटना टेका था लेकिन इस बार गेंद बल्ले पर नहीं आई। थोड़ा सा यहाँ पर गति में परिवर्तन किया गया गेंदबाज द्वारा और डॉट गेंद यहाँ पर होती हुई तो रन संख्या वहीं पर रुकी हुई है 20 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। थोड़ी शांत वातावरण में मुकाबला खेला जा रहा है लेकिन ये दोनों ही टीमों के लिए मुकाबला बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस थोड़े से DJ के कारण सभी शांत हो गए हैं तो हम बबलू DJ से गुजारिश करेंगे हर चौके छक्के पर DJ बनाए, माहौल बनाए। इलाका किसी का भी हो धमाका हमारा होगा और गेंद हवा में गई और कैच ड्रॉप हुआ, मोए मोए हो गया।
और यहां पर दो रन दौड़कर पूरे कर लिए बल्लेबाजों ने, बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। बड़ा शॉट खेला जरूर था पर उस गेंद पर ऊंचाई ज्यादा थी, लंबाई की कमी थी, इसीलिए गेंद बाउंड्री के अंदर अंदर ही रोक ली गई और कैच होने के लिए बहुत ज्यादा समय था। इतनी ऊंची गेंद गई थी कि गेंदबाज जाकर उनसे बातचीत करते, कैसे हो, हालचाल क्या है, ठीक हो, और फिर वापस आते, उसके बाद भी क्षेत्ररक्षक फिर कैच कर सकते थे। इतना मौका था पर कैच नहीं हो पाया। इसी बीच बल्लेबाज एक रन के लिए दौड़कर पूरा करते हुए उवेद को मिलता हुआ ये बहुत बड़ा जीवदान। कप्तान है रॉयल कंधार के और कप्तान को अपने बल्लेबाजी के अंदर ओपनिंग के लिए आए हैं तो यकीनन यहां पर कप्तानी पारी खेलनी होगी। रन संख्या है 22 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर, एक विकेट हुआ होता लेकिन एक विकेट नहीं हुआ है, जो जीवदान मिला है उसका फायदा यहाँ पर होता। और फिर एक बार फिर से खाली तैयार, फिर से बढ़िया गेंद, इस बार भी गेंद हवा में, क्या इस बार गेंद खिलाड़ी वहां पर नहीं होंगे और इसका फायदा उठाते हुए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, चार रनों के लिए। बड़े प्रहार देखने को मिल रहे हैं। सत्ताईस रन, दो ओवर का खेल समाप्त हुआ है और 27 रन संख्या है। गेंदबाज, कैमरामैन जूम करो ताकि हम गेंदबाज का नाम पढ़ पाए। प्रतीक, प्रतीक है गेंदबाज। एक बार फिर से तिरछे बल्ले से खेला है, इस बार गेंद जा रही है स्क्वायर लेग क्षेत्र में, इस बार कोई गलती नहीं करते हुए उवेद और गेंद को पहुंचाए 6 रनों के लिए। बहुत बड़ा प्रहार उवेद द्वारा, जो जीवदान मिला था अब वो छह रन के साथ में रन संख्या तेजी से बढ़ती हुई 33 रन। कहीं ऑफ स्टंप प्रति गेंद कुछ ज्यादा ही बाहर और टिंको और मल्लू की जोड़ी मैदान में अंपायर की भूमिका में है, धीरज काले और महेश देशमुख MD। बड़ा शॉट लगाने का प्रयास एक बार फिर से, अच्छा प्रयास था लेकिन बैट और बल गेंद का संपर्क नहीं हो पाया, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में गई। विकेट कीपर ने स्टंपिंग करने का अच्छा प्रयास जरूर किया लेकिन बहुत ज्यादा अंदर खेल रहे हैं। डॉट गेंद जरूर होंगी। 34 पर रन संख्या है, बड़े प्रहार अब देखने को मिल रहे हैं। बल्लेबाज कप्तान उवे द्वारा 26 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 11 गेंदों से बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक बार बढ़िया गेंद, थोड़ा सा शफल किया था इसीलिए थर्ड मैन के क्षेत्र पर पॉइंट का और गली के बीच से गेंद को निकालना चाह रहे थे पर संपर्क नहीं हुआ। गेंद फिर से एक बार विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई, डॉट गेंद, लगातार दो डॉट गेंदे की है छक्का लगने के बाद, एक अच्छी वापसी कहूंगा मैं प्रतीक की गेंदबाजी में। स्लोवर गेंद इस बार जाल में फंसाया है, गेंद हवा में है, खिलाड़ी उसके नीचे और फिर से मोए मोए हो गया और वही खिलाड़ी, वही बल्लेबाज, वही सब कुछ और वही दिशा, वही जगह। कप्तान ने ही कप्तान का कैच छोड़ा है, अच्छा प्रयास था लेकिन अंत में नजर हटी, दुर्घटना घटी। दूसरे बार कैच लेने का मौका था लेकिन नहीं हो पाया और कैच ड्रॉप होता हुआ, काफी नाखुश है अपने आप से। लेकिन देखिए पिछला कैच छूटने के बाद लगभग 6
रन महंगे साबित हुए थे, अब देखना है कितने रन महंगे साबित होते हैं। उबेद बढ़िया गेंद, इस बार तेज गेंद की थी प्रतीक ने, डॉट गेंद के साथ में अपनी गेंद कंप्लीट करते हुए 9 रन अब तक के खर्च कर चुके हैं। अंतिम गेंद इस ओवर की, ये ओवर नंबर 3 जारी है और रन संख्या है 36 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 2 विकेट बन सकते थे लेकिन दोनों कैच ड्रॉप हुए। अगले गेंद के लिए एक बार फिर से गेंदबाज तैयार, प्रतीक फिर से तिरछे बल्ले से खेलना चाह रहे थे, इस बार विकेट कीपर से गलती हुई और अच्छा कवर कर रहे थे वहां पर थर्डमैन के क्षेत्ररक्षक, और 22 के रूप में ये रन आते हुए ओवर हुआ समाप्त। माफ कीजिएगा, शॉर्ट रन है। यहाँ पर बल्लेबाज गेंद देखने के चक्कर में बिल्कुल बीच से दौड़े, डेंजर जोन से भी खतरनाक जोन जो सीधा स्टंप की लाइन होती है वहां से दौड़े, और ये डॉट गेंद काउंट होंगी। शॉर्ट रन के चलते आपको जो 1 रन मिला है वो 1 रन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो विकेट बनाई गई है टिचकुले एंड टिचकुले कंपनी के रोलर से, वो रोलर खराब हो चुका है और उसकी सुधरने की गारंटी कोई नहीं दे सकता। अब भी ठीक करता है ऐसा कर रहे हैं अबरार मोमिन, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है 24 घंटे से। तो बिल्कुल आपको विकेट खराब नहीं करनी है, इसीलिए आपके ऊपर ये बंधने डाले गए हैं कि आप बीच से दौड़ोगे तो आपको शॉर्ट रन दिया जाएगा तुरंत। 3 ओवर का खेल समाप्त, रन संख्या है 36 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन और कैच फील्ड हुआ है। हमारे डीजे ऑपरेटर को लगा कि गेंद बाउंड्री के बाहर गई है, जी नहीं, लेकिन क्षेत्ररक्षण अच्छे है। ऐसा नहीं कि कैच ड्रॉप कर रहे हैं तो क्षेत्ररक्षण खराब करे, क्षेत्ररक्षण अच्छा है। तो इस सिंगल्स के साथ में 3 रन अपनी टीम के लिए बचाए, रन संख्या है 37 रन और अभी भी 5 ओवर का खेल आना शेष है, 29 गेंदों का खेल शेष है। विकेट कोई गवाया नहीं है, इसलिए यहां पर बड़े प्रहार करने के लिए बहुत ज्यादा संधियां उपलब्ध है। 1 शॉट रन नहीं होगा, डॉट गेंद काउंट की जाएंगी, शॉर्ट रन होगा लेकिन स्ट्राइक चेंज होंगी जो होंगे खालिद। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, चूंकि वहां पर खालिद बड़े प्रहार करने का प्रयास कर रहे हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज है, लेकिन यहां पर बल्ले पर गेंद उनके ज्यादा नहीं आ रही है। बहुत कम गेंदे भी खेले हैं अब तक के, उन्होंने सिर्फ 4 गेंदों का सामना किया है और 5 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो साथ दे रहे हैं अपने कप्तान का उवेद का, जो 28 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं 16 गेंदों से। टॉस गेंद तिरछे बल्ले से खेला है, स्क्वायर लेग क्षेत्र में खिलाड़ी के लिए मौका नहीं होगा, गेंद जाएंगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बीमर चेक किया जाएगा, बीमर चेक किया जाएगा बिल्कुल। बिल्कुल यहां पर बीमर है और ये गेंद होंगी नो बॉल, फ्री हिट और नो बॉल और फ्री हिट। बहुत बहुत धन्यवाद डीजे, बहुत बढ़िया सायरन बजाते हैं डीजे जब नो बॉल क्या। एक बार फिर से फुल टॉस गेंद, इस बार खेला है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र पर, खिलाड़ी वहां पर मौजूद होंगे लेकिन फ्री हिट है तो इसीलिए ज्यादा नुकसान नहीं होगा, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को। फ्री हिट का फायदा यही है कि वो कैच आउट नहीं हो पाएंगे और फिर से 1 शॉट। इस बार भी गेंद फुल टॉस थी और गेंद मारने के बाद स्टंप के सीधी लाइन में आप ना दौड़े, जिस तरह से जो 2 लाइन बनी है अंपायर वही दिखा रहे हैं कि ये जो 2 लाइन बनी है ये दोनों लाइन के बाहर आपको जाना है दौड़ते हुए, तब आपको शॉर्ट रन हम नहीं देंगे। अगर सीधा आप लाइन के आगे आते, 1 कदम भी आगे आ जाते हैं तो आपको तुरंत शॉर्ट रन दिया जाएगा। इस बार पुल किया है और पुल पावरफुल है या नहीं ये देखना होगा। जी हाँ, गेंद 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के
बाहर 4 रनों के लिए। चेक किया जा रहा है, 4 रन है, 1 बाउंस 4 रन है, चेक किया है यहां पर। धन्यवाद धीरज जी काले उर्फ टिंकू। तो 4 रन के साथ में रन संख्या है 45 रनों पर जा पहुंची है। 32 पर खेल रहे उबेद 17 गेंदों से। एक बार फिर से पुल किया है और एक बार फिर गेंद वही क्षेत्र पर जाती हुई 1-2 बाउंस के बाद 4 रनों के लिए। बढ़िया प्रहार कर रहे हैं, जो कैच छुटा था उसका पूरा फायदा उठाते हुए यहां पर कप्तान उबेद। झुंड में तो फ्लोर आते हैं, अकेला ही आता है सुरेश। इस 4 रन के साथ में 49 रन पर जा पहुंचे हैं रॉयल कंधार के बल्लेबाज। और नगीना रिसोर्ड को कहीं पर यहां पर अब सोचने वाली बात होगी कि रन रोके जाए, किस तरह से भी हो पर रन रोके जाए, क्योंकि अब दोनों ही बल्लेबाज बहुत तेज बल्लेबाजी कर रहे हैं, आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं। और ये ओवर होने के बाद आधा सेशन जब समाप्त होता है तो अंतिम 4 ओवर में बहुत ज्यादा रन बनाए जाते हैं और विकेट अभी तक कोई नहीं गिरा है। ये प्लस यॉर्क लाइन की गेंद, और जैसे ही मैंने कहा कि कुछ अलग करना होगा तो वही किया यहाँ पर सोनू खान ने, और उबेद को चलता किया क्लीन बोल्ड आउट करते हुए। बहुत अच्छी गेंद, बहुत जबरदस्त गेंद की, और उबेद जो ज्यादा आक्रामक रूप अपना रहे थे, उनके 2 कैच भी ड्रॉप हुए थे उसके बाद, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, तो उन्हें अब फील्डर पर उन पर उनको भरोसा नहीं हुआ और उन्होंने क्लीन बोल्ड किया खुद की ही गेंदबाजी पर। और आउट होने के बाद वापस लौटते हुए बल्लेबाज उबेद, नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं रॉयल कंधार की ओर से जुनेद। तो ओवर हुआ समाप्त, 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ है और 49 रन संख्या बनी है। तो बचे हुए 4 ओवर में अगर 50 रन बना लेते हैं तो 100 के आंकड़े को छू लेंगे, और 100 का आंकड़ा जब छूते हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ा लक्ष्य रखा जा सकता है। खालिद आप स्ट्राइक पर होंगे, अंतिम गेंद पर गिरा था विकेट। ओवर समाप्त हो चुका है, तो 4 ओवर के समाप्ति के बाद 49 रन है 1 विकेट के नुकसान पर। शिव छत्रपति चषक ओपन लीग मुकाबले इस रामलीला मैदान हिंगोली पर खेले जा रहे हैं, और गेंदबाजी के लिए देखना है किसे आमंत्रित करते हैं। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट यहाँ पर दिया गया है, इसीलिए थोड़ा सा जलपान कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा समय नहीं है, 1 मिनट का ही टाइम आउट है। अगर ड्रिंक ब्रेक जी, जी अगला जो मुकाबला होगा वो हाई वोल्टेज मुकाबला होगा। दोनों ही टीमें एक एक मुकाबला जीत चुकी है और दूसरे जीत के साथ इस लीग मैचेस में क्वालिफाई करने की तरफ अग्रसर होंगी। वो हाई वोल्टेज मुकाबला होगा जख्मी शेर अकोला पप्पू आमिर रशीद की टीम, और एक तरफ होंगे हंस राजे पाटिल क्रिकेट क्लब। सर वो अंश राजे माफ कीजिएगा, अंश राजे पाटिल क्रिकेट क्लब, इनके बीच वो मुकाबला होगा। बहुत बड़ा मुकाबला है, हाई वोल्टेज मुकाबला है। YouTube लाइव पर जो दर्शक देख रहे हैं, जो मैदान की तरफ हमारी आवाज सुन रहे हैं, उस मुकाबले के शुरू होने से पहले पहले इस मैदान पर आ जाइए और अपनी जगह फिक्स कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर उस मुकाबले के लिए आपको खड़े रहने की भी जगह नहीं मिलेगी। बहुत जबरदस्त मुकाबला होगा। चलिए अब ड्रिंक ब्रेक हो चुका है और गेंदबाजी के लिए नए गेंदबाज उमेश आ चुके हैं, सामना करेंगे खालिद। स्लोवर गेंद, चतुर भरी गेंदबाजी थी यहाँ पर, खालिद को थोड़ी सी परेशानी में डालती हुई, खुद को घुमाया था, पुल मारने का प्रयास था, 22 का इशारा आता हुआ, एक्स्ट्रा रन जरूर मिला है यहाँ पर। अब खालिद को अब जिम्मेदारी उठानी होगी कि ओपनिंग से बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक 22 के रूप में अर्धशतक यहाँ पर पूरा हुआ है रॉयल कंधार टीम का, और
उमेश कस्ते गेंदबाजी के लिए आए हैं। कस्ते 50 रन हो चुके हैं, पहली गेंद पर आया है 22। और उबेद जो आउट हुए, लेग स्टंप पर थी गेंद, जोरदार प्रहार करने का प्रयास था लेकिन दिशाहीन गेंदबाजी। राजेश कस्ते है गेंदबाज। तो पहली गेंद पर 22, दूसरी गेंद पर वाइट। एक बार फिर से तिरछे बल्ले से खेलना चाह रहे थे लेकिन जुनेद के लिए यहाँ पर इतना आसान नहीं होगा। मिट्टी की विकेट है, गेंद में घुमाव ज्यादा होता है, टर्न ज्यादा होता है, टर्फ विकेट की तरह ये गेंद विकेट बनाई गई है टिचकुले एंड टिचकुले कंपनी के रोलर द्वारा। इस बार फुल टॉस गेंद, खुद को घुमाया, गेंद को पहुंचाया बहुत दूर 6 रनों के लिए। डीजे हमारे रास्ते में रोड़े बन गए, हमारे पैदा किए टट्टू सब घोड़े बन गए। सर डीजे यहाँ पर इनाम आता हुआ, जुनेद अगर 2 गेंदों में 2 छक्के लगाते तो 21 रुपए का इनाम आता हुआ। दत्ता कदम इनकी ओर से, दत्ता कदम इनकी ओर से। ओवर समाप्त हुआ है, 5 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 61 रन, 61 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अब बचे हैं 18 गेंदे और देखना है कितने रन आते हैं। चलिए 2 ओवर के बीच का समय है, हमें कहीं आपको पेनल्टी देनी ना पड़ जाए। 2 ओवर के बीच का जो समय है सिर्फ और सिर्फ 60 सेकंड का समय आपको दिया जाता है। अगर गेंदबाज गेंदबाजी के लिए नहीं आता है तो 5 रन की पेनल्टी भी दी जा सकती है, यहाँ पर कड़क कायदे कानून है।
बहुत जबरदस्त प्रहार इस बार बल्लेबाज द्वारा, कुछ गेंदे डॉट गिरने के बाद एक जबरदस्त प्रहार खेला है 6 रनों के लिए। बॉल बॉल लाकर दे, बॉल बाहर चली गई है, बहुत दूर गई है, आ चुकी है गेंद। शेवटचा चेंडू या ओव्हरचा, बहुत जबरदस्त प्रहार, हिटिंग कर रहे हैं लगातार, चौके और छक्के यहां पर आ रहे हैं अंतिम ओवर के गेंदों पर। डीजे चालू रहने दे, गेंद बाहर गई। क्या जबरदस्त कैच हुआ है यहाँ पर, इसी तरह का एक वीडियो वायरल हुआ था, विकेट कीपर ने कैच लिया था, पीठ के ऊपर गेंद थी और उसे रोक लिया था, वैसे ही यहाँ पर लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र रक्षक द्वारा कैच लिया गया। रिप्ले में बार बार देखने लायक ये कैच, क्या जबरदस्त कैच कंप्लीट किया गया। एकनाथ शिंदे ये देखिए, आनंद देखिए, ये बिल्कुल पीठ पर वहीं पर रोक ली गेंद, बहुत अच्छी कैच, बिना देखे बिना नजर उस पर रखे कैच कर पाना, बार बार देखने के लायक ये कैच है। YouTube लाइव पर जो मुकाबले देख रहे हैं बिल्कुल इस कैच को देखें, बहुत जबरदस्त कैच, ये देखिए किस तरह से ये कैच हुआ आकिब द्वारा, बहुत अच्छा कैच। नए बैट्समैन अपना नाम बताएं। रहीम भाई आए हैं। वन बाउंस का इशारा आया है, बहुत जबरदस्त कैच हुआ ये, कैचेस विन द मैच, वाइड का इशारा भी आया है, वाइड और वन बाउंस।
84 रन 84 रन दो विकेट के नुकसान पर। अंतिम ओवर लेकर देखना है कौन आते हैं। और यही बात हम कह रहे थे कि चार ओवर से 49 रन बने थे, आने वाले चार ओवर में अगर 50 के करीब रन बना लेते हैं तो 100 के आंकड़े को पार कर लेंगे। लेकिन यहां पर अंतिम ओवर का खेल आ चुका है और 16 रन अगर इस ओवर से आते हैं तो बहुत अच्छा मुकाबला होगा ये रॉयल कंधार और नगीना रिसोर्ट के बीच में। जुनेद अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, पहले कुछ डॉट गेंदे की थी, कुछ प्रहार नहीं कर पाए थे लेकिन उसके बाद बहुत अच्छी बल्लेबाजी रही, 12 गेंदों से 30 रन बनाए। और हेलो नो बॉल और अगली गेंद होगी फ्री हिट। और ये भी नो बॉल होंगी, एक और नो बॉल जी। पहला बीमर था, दूसरा भी बीमर है तो गेंदबाज बंद, क्रिकेट का नियम है लगातार दो बीमर गेंदे करते हैं तो गेंदबाज गेंदबाजी नहीं कर सकता। तो दो बीमर गेंदे दी गई है इसीलिए यहां पर गेंदबाज को अब गेंदबाजी नहीं कर सकते इस इनिंग में। सिर्फ गेंदबाज के जगह पर जो फील्डर है वो बदला जाएगा, बाकी फील्डर्स भी बदले नहीं जाएंगे। और फिर ही जारी रहेंगी। तो अंतिम गेंद पर पहली दो गेंदों पर दो रन खर्च किए आतिफ ने और कोई भी गेंद नहीं की। और आने वाले गेंदबाज के लिए फ्री हिट गेंद डालने के लिए भी एक मिनट देखिए, एक खिलाड़ी को सिर्फ दो ओवर है और ये खिलाड़ी तीसरी ओवर डाल रहे हैं तो ये भी नो बॉल गेंद होगी। नहीं सर, एक ही ओवर हुआ है, माफ कीजिएगा, एक ही ओवर हुआ है। राजेश कस्ते है जी, हाँ वो उमेश कस्ते थे जी। थोड़ी यहाँ स्कोरिंग में गलती हुई थी जी, नहीं ये बॉल काउंट किया जाएगा, फेयर डिलीवरी होगी, स्कोरर मिस्टेक।
वाइट गेंद, तो रन संख्या जा पहुंची 90 रनों पर। तीन गेंदों का खेल शेष है। एक शॉट खेलने का प्रयास यहाँ पर कट किया है, गेंद हवा में है और एक सॉफ्ट डिसमिसल, आसान सा विकेट यहाँ पर रहीम आउट होकर वापस लौटते हुए। अंतिम कुछ गेंदें बची है, इस पर प्रहार करने का प्रयास था रहीम का, लेकिन गेंद सीधे खिलाड़ी के हाथ में जाकर रुक गई और कोई गलती नहीं की वहां पर खड़े क्षेत्र रक्षक ने। इस बार 90 रन पर तीन विकेट गिर चुके हैं और नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं। दो गेंदों का सामना करेंगे अंतिम दो गेंदों का, और जुनेद बेग इस मुकाबले में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, पर इस ओवर्स में नॉन स्ट्राइक पर ज्यादा देर तक रह गए, जिसके कारण उनके ओर से बड़े शॉट्स देखने को नहीं मिले। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास होगा, डॉट गेंद और यहां पर रन लेने के लिए निकल पड़े हैं, रनआउट का खतरा हो सकता है। जी हाँ, यहां पर जुनेद ने एक अंतिम गेंद पर अपने तरफ स्ट्राइक रखने की कोशिश की और नॉन स्ट्राइक एंड के खिलाड़ी रुक जाइए वहां पर, सिर्फ नाम बता दे कि अगला बल्लेबाज कौन है। तो चार विकेट यहां पर गिर चुके हैं और अंतिम गेंद लेकर आएंगे राजेश इस ओवर से। अच्छी गेंदबाजी, फिर से बड़ा प्रहार करने का प्रयास और फिर यहां पर रन आउट होंगे। इस बार आउट होंगे उवेद, माफ कीजिएगा जुनेद। जुनेद ने ये डॉट गेंद की और 90 रन पर स्कोर रुक गया है और ओवर समाप्त हो चुके हैं। 8 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 90 रन, अब 91 रन बनाने होंगे जीत के लिए नगीना रिसोड को। तो चलिए, सिर्फ 2.5 मिनट का समय दिया जाता है आपको, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट की तरह आपको 2.5 मिनट में दोबारा से फील्डिंग की सजावट कर लेनी है। यह टाइमर स्टार्ट कर दिया गया है। और सर, यहाँ मैं अगले मैच के दोनों ही कर्णधार को आमंत्रित करना चाहता हूँ टॉस के लिए। बिल्कुल, हाई वोल्टेज मुकाबला जो होने वाला है आज के दिन का सबसे बड़ा, सबसे बेहतरीन, सबसे बड़ा मुकाबला, जख्मी शेर अकोला और अंश राजे पाटिल क्रिकेट क्लब, दोनों ही टीमें जल्द से जल्द टॉस के लिए यहाँ पर अपने कप्तान यहाँ पर आ जाइए। दोनों ही टीमों के कप्तान, इस इनिंग ब्रेक में आपका टॉस किया जाएगा और आपको फिर रणनीति अपनाने के लिए 8 ओवर का समय होगा, जिसमें आप रणनीति अपना लीजिए और जो भी आपको कैलकुलेशन करने हैं कर लीजिए, डिस्कशन कर लीजिए। लेकिन जैसे ही 8 ओवर समाप्त होते हैं तो 8 ओवर के बाद में आपको तुरंत फील्डिंग या बल्लेबाजी के लिए अंदर आ जाना है।
और अतुल सर यहाँ पर कॉमेंट्री के लिए आ चुके हैं। अतुल सर अगले मुकाबले का टॉस हो चुका है, कृपया कंफर्म करें अगला जो मुकाबला होगा बहुत बड़ा मुकाबला है। अंश राजे पाटिल क्रिकेट क्लब और जख्मी शेर अकोला। धन्यवाद सर। या नंतरचा होणारा हाय व्होल्टेज सामना हंसराजे पाटील उदगीर विरुद्ध जखमी शेर अकोला या दोन मातब्बर संघामध्ये होणारा या नंतरचा हाय व्होल्टेज मुकाबला या जाऊत या सामन्याकडे। पहिला चेंडू खाली द्यायचा आणि पहिल्या चेंडूवर पहिलाच बळी लागलेला अवदसा झटका फटका लागलेली पण होती घ्या हातात वाती आणि पहिल्यांदा जाऊन मध्ये जाऊन पेटवा आणि म्हणा काय घालील लोटांगण वंदे न चरणन डोळ्यानं पाहिलं रूप तुझे आमचा नेता आमचा नेता। ओके डीजे पहिल्या चेंडू मध्ये पहिलाच बळी टिपलाय तो खालिद यांनी आणि वापस पाठवलंय तो म्हणजे ज्ञानेश्वर यांना। ज्ञानेश्वर म्हणजे एक उत्कृष्ट फलंदाज खूप टिकून खेळतात पण आज ते टिकू नाही शकले। आता चोपडे सर आले फलंदाजीवर आणि अंपायरचा इशारा असेल ते लेग बायच्या स्वरूपात आलेली एक धाव म्हणजे चेंडू सरळ पायावर जाऊन आपटला असे चेंडू खूप दुःख देतात लाल चट्टा उमटतो। आता काय वाटत नाही गर्मीमध्ये जोशमध्ये पण संध्याकाळी घरी गेल्यानं बॉलरची आठवण येते झेंडू बाम आवश्यक लागतो। पुढचा चेंडू खालिद यांचा आणि पुन्हा एकदा सुंदर चेंडू खालिदचा काय सुंदर चेंडू गोलंदाजी या ठिकाणी खालिद कुठंतरी नगिना रेसोड या संघाच्या खेम्यामध्ये तो हलचल करत आहे। खरोखर फलंदाजाला तो सतवत आहे चांगली गोलंदाजी खालिद यांच्याकडून पाहायला मिळत आहे। यावेळेस काय वेगळं करण्याचा फटका हवेत शतक खाली आणि पुन्हा एकदा सुंदर जेल पंचाचा निर्णय असेल तो सोनू आला सोनू गेला पण खालिद न हिंगोली मध्ये माहोल केला। आमचा नेता पहिल्याच षटकात सलामी फलंदाजाला माघारी पाठवले सुंदर अशी गोलंदाजी खालिद करून पाहायला मिळाली। पहिल्याच षटकात मोठे दोन बळी टिपलेत सोनू आणि ज्ञानेश्वरच्या रूपात। जखमी शेर अकोला आणि अंसराजे क्रिकेट क्लब उदगीर दोन्ही संघाच्या कर्णधाराला विनंती करतो की आपण पेंडॉलकडे नाणेफेकीसाठी यावं। पुढचा चेंडू खालिद यांचा आणि फलंदाजीवर आलाय तो प्रतीक। पुन्हा एकदा हलक्यात अंटवलेलाय त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक उपस्थित खूप दूरवर होते क्षेत्ररक्षक त्याचमुळे या ठिकाणी दोन धावा चोरण्यात यशस्वी ठरलाय। एक चेंडू शिल्लक आहे। सुंदर गोलंदाजी या ठिकाणी खालिदनं या षटकात फक्त तीनच धावा खर्चल्यात ते म्हणजे एक लेगबायच्या स्वरूपात आणि दुसरी फळीने
उत्कृष्ट गोलंदाजी, दोन बळी सुद्धा टिपलेत मोठमोठे। नगीना रिसोड संघाच्या सलामीवीर फलंदाजाला त्यांनी माघारी पाठवलं। पुढचा चेंडू खालेद यांचा, यावेळेस गतीमध्ये मिश्रण आणि बघता काय सुंदर असं एफर्ट दिलंय त्या खेळाडून, स्वतःला झोकलं, कुठेतरी मातीत लोळवलंय, माती अंगावर घेतली, परंतु झेल हातात नाही घेऊ शकला, परंतु त्याच्या एफर्टचे त्याला 100% मार्क आहे, परंतु बळी नाही टिपू शकला तो खालेद। आणि सुंदर षटक या ठिकाणी समाप्त होताना कुठेतरी पाहायला मिळत आहे। एका षटकाच्या समाप्तीनंतर वाढलेली धावसंख्या आहे ती 4 धावा, ते पण 2 गड्यांच्या मोबदल्यात। काय सुंदर षटक समाप्त केलं आणि खरोखर त्या क्षेत्ररक्षकाचं पण इथे खूप नाव घ्यावं असं वाटतं की त्यांनी उत्कृष्ट असं क्षेत्ररक्षण करण्याची भूमिका बजावली। नदीम भाईनं खूप चांगला एफर्ट दिला, डाय मारली, स्वतःला त्या विकेटवर पोहोचलं होतं, पण कुठेतरी अवघड, सॉरी नदीम आहे का बॉलर, मुसव्वीर, अच्छा अच्छा मुसव्वीर याने बघा काय सुरेख क्षेत्ररक्षण केलं जात आहे। या षटकामध्ये 3 झेल हवे तुटले होते, 2 झेल जरी टिपले गेले, तिसरा झेल मात्र प्रयत्नाला 100 पैकी 100 गुण मिळतील असा प्रयत्न केला गेला। कॅचेस विन द मॅचेस म्हटलं जातं त्याचं सुंदर उदाहरण। अशा प्रकारचं क्षेत्ररक्षण नक्कीच आपल्याला या धावा करताना क्षेत्ररक्षकामुळे अवघड होणार आहेत। नगीना रिसोड पुन्हा एकदा सज्ज फलंदाजीसाठी, यावेळेस फुल शॉट खेळला आहे, मिड विकेट क्षेत्र निवडला आहे आणि तिथे कुठलाही क्षेत्ररक्षण नसणार, चेंडू जाणार आहे 1 बाउन्स सीमारेषा पार चौकार। याच फटक्याची आवश्यकता होती कारण कुठेतरी प्रेशर आलं होतं फलंदाजांवर, 2 गडी लवकर बाद झाले होते। त्यानंतर मुसव्वीरवर मात्र हल्ला चढवला गेला पहिल्या चेंडूवर प्रतीक द्वारे आणि 4 धावेने धावसंख्या जाती ती 8 धावेवर 2 गडी बाद। ओरपीच चेंडू आणि ओरपीच चेंडूचा घेतलाय संपूर्ण समाचार, चेंडू जातोय सीमारेषा पार, शिव छत्रपती चषक षटकार। सुरेख फटकेबाजी म्हणावी लागेल, मागच्या चेंडूवर चौकार आला होता ओरपी चेंडूचा, यावेळेस कुठलाही फलंदाज असो तो सोप्पा पद्धतीने त्या चेंडूला खेळत नाही, त्याच्यावर मोठा फटका खेळतोच आणि त्या चेंडूवर आला षटकार। पुढचा चेंडू हलक्या हाताने खेळलाय, पॉइंटच्या दिशेने 1 धाव करण्याचा प्रयत्न आणि 1 धाव घेतली गेलीत। एका धावेने धावसंख्या वाढते ती 15 धावा 2 गडी बाद असताना चौकार षटकार लगावले गेले। त्यानंतर एक सेन्सिबल क्रिकेट म्हणता येईल, सिंगल्स घेऊन आपल्याला नॉनस्ट्राईकला जाऊन पोहोचवणं, कारण की प्रत्येक चेंडूवर आपण फटकार मारू शकत नाही, प्रत्येक चेंडूवर आपल्याला प्रहार करता येत नाही, कारण की गोलंदाज सुद्धा पहिल्या 2 चेंडूवर मार खाल्ल्यानंतर आपला टप्पा बदलत असतो। फुल टॉस चेंडू असेल, एक्स्ट्रा कव्हरचं क्षेत्र निवडलंय, सर्कलचा फायदा येते, उचलतोय फलंदाज आणि चेंडू जातोय सीमारेषा पार चौकार। या 4 धावेने संख्या आता धावसंख्या जाती ती 19 या धावसंख्येवर, पहिल्या षटकामध्ये काहीसं बांधून ठेवण्यात यश मिळवलं होतं, परंतु या षटकामध्ये थोडेसे खराब चेंडू टाकले गेलेत आणि त्याचा भरपूर फायदा उचलला दोन्ही फलंदाजांनी आणि तब्बल या षटकामध्ये अजून 15 धावा खेचल्या गेल्या। 4 चेंडूंचा खेळ झाला आहे, मुसव्वीर काहीसं महागडं षटक टाकतोय, सामन्यामध्ये पकड निर्माण करणारं षटक नक्कीच त्याच्याकडून कर्णधाराची अपेक्षा होती। फुलटॉस चेंडू स्ट्रेट ड्राईव्ह केला आहे, लॉंगाचा क्षेत्ररक्षक क्षेत्ररक्षण करेल तोपर्यंत 1 धाव पूर्ण करेल, दुसऱ्या धावेचा कुठलाही प्रयत्न नसेल। जर या षटकामध्ये धावा आल्या आहेत तर मग जोखीम घेण्याची आवश्यकता नाही हे फलंदाजांना पण माहीत आहे। धावसंख्या झाली ती 20 धावा, 5 चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय दुसऱ्या षटकाचा। यानंतर मात्र खेळा क्षेत्ररक्षणावर असलेले बंधन कमी होणार आहेत, सर्कल संपणार आहे, जोरदार फटका मारण्याचा प्रयत्न इथे मात्र फलंदाज बीट होतोय। यष्टी रक्षकाकडून सुरेख यष्टी रक्षण केलं गेलं परंतु आपल्या क्रीज मध्ये तो
खूपच आतमध्ये खेळत होता त्यामुळे पंचांना काहीच अडचण आली नाही याला नाबाद देण्यामध्ये आणि नॉट आउट डिसिजन इसले इथे तिसऱ्या पंचांकडून सुद्धा आलेला आहे. तिसऱ्या पंचांची आवश्यकताच नव्हती कारण की फलंदाज आतच खेळत होता. 20 धावा झालेल्या आहेत दोन षटकाच्या समाप्तीनंतर दोन गडी बाद. चला दोन षटकामधील जो वेळ आहे आपण आधीच चेतावणी देत आहोत की दोन षटकामध्ये जो चेंडू टाकण्यासाठी वेळ घेतला जातो तो फक्त आणि फक्त 59 सेकंदाचाच घ्यावा. जर ते 60 सेकंद झाले तर 5 रनाची पेनल्टी तुम्हाला होऊ शकते. आयसीसी मध्ये तो नियम नाहीये. आयसीसीने तो फक्त आता अंमलात आणण्याचा विचार केला आहे परंतु इथे आम्ही विचार नाही करणार. आम्ही डायरेक्ट तो नियम लागू करून देणार कारण की हे आहे शिव छत्रपती चषक हिंगोली 2024 चा थरार. इथे नियम असतात कडक. 20 धावा दोन गडी बाद. नवीन गोलंदाज आता गोलंदाजी आला एक बॉलिंग मार्कवर जबार चेंडू शिल्लक असणार आहेत 36 आणि जिंकण्यासाठी बनवाव्या लागतील त्या 71 धावा. म्हणजे प्रत्येक षटकामध्ये 12 धावांची आवश्यकता, प्रत्येक चेंडूवर 2 धावांची आवश्यकता. आता दोन्ही फलंदाज सज्ज झाले आहेत, सेट झाले आहेत म्हणावं लागेल. आणि भारतीय संघाचे माजी फलंदाज नवज्योत सिंग सिद्धू म्हणतात की जेव्हा एखादा फलंदाज सेट होतो तर त्याला चेंडू हा टेनिस बॉल नाही तर फुटबॉल दिसायला लागतो. आणि यावेळेस आडव्या बॅटने मारण्याचा प्रयत्न होता, चेंडू बॅटवर नीट चाललेला नाहीये परंतु स्क्वेअर लेग क्षेत्रशाकडे चेंडू जातोय. एक धाव पूर्ण करताय, दुसऱ्या धावीचा कुठलाही प्रयत्न नसेल. एका धावी समाधान मानावं लागतंय कारण की या शॉटवर आत्मविश्वास कमी होता, मिस टाईम झाला होता, त्यामुळे तरी एक धाव जरी भेटली तरी भरपूर आहे. जब्बार आपलं पहिलं वैयक्तिक पहिलं षटक घेऊन आला आहेत. कॉमेंट्री बॉक्स सेंड करून तो मारा करेल. प्रतीक त्याचा सामना करेल कारण की बद्रीनाथने पहिल्या चेंडूवर एक धाव घेतली आहेत. प्रतीक आलाय पुन्हा स्ट्राईकवर. प्रतीक खेळतोय 14 या धावसंख्येवर एक चौकार आणि षटकाराच्या साह्याने. पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज असेल जब्बार. प्रतीक फिरला, प्रतीकने मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न केला आणि त्या फटक्यामध्ये तो यशस्वी ठरलाय. चेंडू जातोय थर्ड मॅच दिशेला चौकार. सुंदर फटका आणि या 4 धावीने धावसंख्या अत्यंत निर्णायक क्षणी हा फटका आला आहे कारण की प्रत्येक षटकामध्ये एक चौकार एक षटकारची आवश्यकता आहे आणि बाकीचे सिंगल डबल्स घेतले जाऊ शकतात. दुसऱ्या चेंडूवर जर चौकार आला आहे तर पुढचे 4 चेंडू हे फलंदाजाला सोपे होणार आहे खेळण्यास कारण की त्यांच्यावर प्रेशर नसणार आहे. यावेळेस पुन्हा फिरलाय. यावेळेस क्षेत्र आहे स्क्वेअर लेग दिशेचं आणि तिथे पुन्हा क्षेत्रक्षण करण्या अगोदरही चेंडू सीमेरेषेच्या बाहेर. 4 धावा. जबरदस्त डीजे ऑपरेटर्स आमचे रशीद मंडप्स अँड डेकोरेटर्सचे बबलू डीजे. पुन्हा फिरलाय आणि पुन्हा चेंडू थर्ड मॅन क्षेत्रामध्ये जातोय. पंचांचा निर्णय इथे बघावा लागेल काय आहे. 4 धावा. पुन्हा तेच रिपिटेशन्स, तेच कार्बन कॉपी, तीच झेरॉक्स कॉपी. फलंदाज एक चेंडू खेळतोय थर्ड मॅनला तर एक चेंडू खेळतोय फाइन लेगला. लागोपाठचा हा चौथा चौकार. लागोपाठचे 4 चौकार खेचले गेलेत प्रतीकच्या मार्फत आणि 2 चौकार थर्ड मॅनला रिव्हर्स तर 2 चौकार फाइन लेगला. पुन्हा रिव्हर्स परंतु यावेळेस यष्ट्यांचा वेध घेण्याचा प्रयत्न होता जब्बारचा. चेंडू पायाला आदळला आणि चेंडू निर्धाव होणार आहे. षटक मात्र ते समाप्त होते. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 37 धावा 2 गडी बाद 37. आता जिंकण्यासाठी हव्या आहेत त्या 54 धावा. 30 चेंडू 54 धावा.
खरोखर सर खालिदनं जेव्हा पहिलं षटक केलं होतं तेव्हा वाटलं होतं कुठंतरी खालिदनं या संघाला थांबवलंय अडकवलंय फसवलंय सलामीवीर फलंदाजाला त्यानं माघारी पाठवलं पण जेवढं खालिदनं कमवलं तेवढंच नदीम आणि जब्बार यांनी गमवलं कुठंतरी आलेला सामना मोकळा करून दिला रस्ता खुला करून दिलाय आणि दोन वन डाऊन आणि थर्ड डाऊनच्या खेळाडूंना सेट केलंय आता ते झाले तर सेट आणि फटके मारत आहेत एकदम आणि या ठिकाणी पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न परंतु या ठिकाणी लॉंग ऑनच्या दिशेला खेळाडू उपस्थित एकच धाव आता धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे ती 38 धावा कारण की पहिल्या षटकात फक्त चारच धावा होत्या त्यानंतर दोन षटकात 34 धावा जोडल्या आणि पुन्हा एकदा स्वतःला भिंगरीसारखं फिरवलंय आणि चेंडूला पावटवले ते सीमारेषा पार षटकार डी जे एकनाथ शिंदे हे आनंद देखे यांनी उभी केलेले माणसं सुंदर फटका आता काहीस सेट झाले आणि जेव्हा होतो सेट तेव्हा गुडघ्या टेक आणि सिक्सर देख असं काही तर कारण बघायला भेटत आहे पुन्हा एकदा स्वतःला भिंगरी सारखं फिरवलंय आणि काय मला वाटतंय फाईन लेग हे क्षेत्र खूप आवडत आहे या फलंदाजाला बार बार त्या फाईन लेगच्या दिशेने मोठे मोठे प्रहार करत आहेत जर ही जागा सरकारी नसती तर या जागी याला एक प्लॉट बनवून दिला असता आणि त्या ठिकाणी यानं फटके मारून तो प्लॉट सेट केला असता लागलाय का गती कुठेतरी कमी झाली आहे म्हणजे लागलेला आहे लागलाय म्हणजे या ठिकाणी दोनच धावा डिक्लेरेशन झोन वा 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 कुठतरी लक फॅक्टर आता रॉयल कंधारच्या दिशेनं मला वाटते वाटचाल करत आहे बोल ना आणि या ठिकाणी सुंदर फटका काय मोठा फटका खरोखर आमचे लाडके जिल्हा प्रमुख तथा कळमनुरी विधानसभा मतदारसंघाचे लोकप्रिय कार्यसम्राट कुटुंब प्रमुख भाग्यवदादी आमदार संतोषरावजी बांगरसाहेब यांच्या चरणाला स्पर्श करण्यासाठी हा चेंडू त्या ठिकाणी पोहोचवला काय सुंदर फटकेबाजी नक्कीच आणि बघा अतुलजी यावेळेस स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये डिक्लेरेशन झोनला चेंडू लागला होता मैदान गेट रिकामं करावं इथे फलंदाज प्रतीकने मात्र थर्ड मॅनचं क्षेत्र निवडलंय आणि पुन्हा एकदा काय मोठा फटका काय सुंदर फटकेबाजी खरोखर प्रतीक या ठिकाणी सांगतोय मुसफ प्रतीक यांचे 15 चेंडूत 50 धावा पूर्ण टॉस
पुन्हा एकदा फुल टॉस, पण यावेळेस खेळाडू खाली, चुकीचं क्षेत्ररक्षण आणि जीवदान मिळताना या ठिकाणी. आणि हिंगोली जिल्ह्याचे लाडके जिल्हा प्रमुख तथा कळमनुरी विधानसभा मतदारसंघाचे कुटुंब प्रमुख कार्यसम्राट भाग्यविधाते लोकप्रिय आमदार संतोषरावजी बांगर साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन. चला, वाढलेली धावसंख्या आहे ती 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर वाढलेली धावसंख्या आहे ती 58 धावा, सॉरी 59 धावा. खाले झाला आता गोलंदाजीला. उदगीर हंसराजे क्रिकेट क्लब उदगीर च्या कर्णधाराला विनंती करतो नाणेफेकीसाठी यावं, आणि जखमी शेर अकोल्याच्या कर्णधाराला विनंती करतो आपण नाणेफेकीसाठी या ठिकाणी यावं. यानंतर होणारा लगेचा सामना हंसराजे क्रिकेट क्लब उदगीर आणि जखमी शेर अकोला. आता समीकरण असेल 24 चेंडू 32 धावा. आणि काय सुंदर फटकेबाजी करतोय तो प्रतीक. 16 चेंडूचा सामना ठोकल्या. हॅलो, एकसष्ट धावा या दोन धावेच्या साह्याने. आता मात्र 5वा षटक घेऊन आलाय तो खालीद, आणि आता जिंकण्यासाठी 23 चेंडू आणि 30 धावांची आवश्यकता आहे. कुठे होता सामना, कुठे आला, परंतु यात अजूनही सामन्यात बरंच काही बाकी आहे. स्क्वेअर लेग कॅमेरा इकडे. हॅलो, कारण की यानंतरचा होणारा मोठा सामना जखमी शेर अकोला विरुद्ध हंसराजे क्रिकेट क्लब उदगीर या दो बलाढ्य दोन संघामध्ये नाणेफेक करत आहेत ते माननीय लोकप्रिय कार्यसम्राट आमदार संतोषरावजी बांगर साहेब यांच्या हस्ते या ठिकाणी नाणेफेक होत आहे. आणि नाणेफेक जिंकली आहे ती जखमी शेर यांनी. कोण जिंकलं? चला, नाणेफेक जिंकली, सॉरी नाणेफेक जिंकली होती ती म्हणजेच हंसराजे क्रिकेट क्लब उदगीर या संघाने, आणि त्यांनी नाणेफेक जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय घेतलाय. आणि पुन्हा एकदा आमंत्रित केले ते जखमी शेर अकोला फलंदाजी करण्यासाठी. म्हणजेच पुन्हा एकदा विदर्भ टायगर पप्पू यांची बल्लेबाजी पाहायला मिळेल, ज्याने आणि जाऊ तर सामन्याकडे. सामना रंगतदार
21 चेंडू 28 धावा काढशील का भावा? आता एवढं ठोकले संपूर्ण सामना संपेपर्यंत जर प्रतीक हा टिकला तर हा सामना अगोदरच संपू शकतो. पण खालेदची सुंदर गोलंदाजी बघूत काय करतं खालेद. आणि पुन्हा एकदा सुंदर चेंडू या ठिकाणी पंचावर खूप मोठं प्रेशर. अपील केली परंतु पंचानी नकारली. पंचायत म्हणजे टिंकू काले. लेग बिफोर असतं तर नक्कीच येथे फलंदाज वाद असता कारण की समोर दशावतारचे स्पॉन्सर टिंकू काले. पुढचा चेंडू खालेचा सामना करेल प्रतीक. आणि या ठिकाणी हलक्या हाताने टोलवलाय. प्रतीकला कळाले खालेदच्या गोलंदाजीवर मोठे फटकार मारणं अवघड आहे त्यामुळं याच ठिकाणी युक्तीचा वापर करून यावेळेस फुलटॉस झाला होता परंतु टोलवण्यात अयशस्वी. क्षेत्ररक्षक उपस्थित चांगले क्षेत्ररक्षण आणि दोन धावा. हा ना ओके नोके आणि या ठिकाणी बचावले ते चोपडे सर. आणि षटकाची समाप्ती. पाच षटकाच्या समाप्तीनंतर वाढलेली धावसंख्या आहे ती 66 धावा दोन गड्याच्या मोबदल्यात. आणि आता समीकरण असेल ते 18 चेंडू 25 धावा काढशील का भावा? सोप दिसतंय पण अवघडही होऊ शकतं. ज्या प्रकारे दोन षटक आले होते या सामन्यात या सामना बदलण्यासाठी म्हणजेच नगीना रिसोड या संघाला आहेर भेटला होता त्या दोन षटकाचा. त्या दोन षटकात त्यांनी उडी मारली होती रनांची. तसेच जर दोन षटक रॉयल कंदार यांच्याकडून सुरे आणि सटीक आले तर कुठेतरी हा सामना रंगतदार होऊ शकतो कारण की रिक्वायर्ड रन रेट आहे 8.33 म्हणजेच प्रत्येक षटकात आपल्याला कमीत कमी 9 धावा जोडाव्या लागतील. आणि आता समीकरण आहे ते 18 चेंडू 25 रन. आता गोलंदाजीवर आलाय तो नदीम. सामना करेल तो ऑन फायर फलंदाज प्रतीक. प्रतीक आपलं प्रतीक या ठिकाणी झळकवताना दिसते या रामलीला मैदानावर. पुढचा चेंडू नदीम यांचा. आणि स्वतःला बिगरीसारखा फिरवण्याचा प्रयत्न. त्या ठिकाणी यष्टी रक्षकानं स्वतःला वाचवण्याची भूमिका घेतली बॉल पकडण्याच्या अगोदर कारण की बॅट त्यांच्या अंगावून फिरली. आणि या ठिकाणी पंचाचा निर्णय असेल ती अवांतर धाव वाईटच्या स्वरूपातली. यष्टी रक्षकाला विनंती आहे की आपल्या जीवाला सांभाळून खेळावं. जीवित्वाची जबाबदारी ज्याची त्याची. जास्तीत जास्त आम्ही तुम्हाला काय दुखलं तर पाणी देऊ शकतो. आणि या ठिकाणी चोपडे सरचा मोठा फटका. पण फटका हवेत. फटका फसलाय आणि खाली आहे तो खेळाडू. चांगला झेल आणि झेलबाद व्हावं लागेल तो चोपडे सर यांना. कुठेतरी रंगा देताना दिसतोय हा सामना. बघा अतुलजी क्षेत्र तेच खेळाडूही तोच आणि फटकाही तसाच. येथे मात्र उभेद झेलबाद करतोय कर्णधार चोपडे सरांना. परंतु चोपडे सरांनी तिथे झेल सोडला होता. आणि या ठिकाणी आता चोपडे सरची जागा घ्यायला येत आहे तो टीके. आता टीके आलाय चोपडे सरचा हॅलो हॅलो. आता काहीशी हुशारीची भूमिका घ्यावं लागेल. पुढचा चेंडू नदीम यांचा. सामना करेन टीके. आणि टीके सुद्धा स्वतःला
भिंगरी सारख फिर प्रतीक सारे फटके मारने का प्रयत्न करते है परंतु प्रतीक या ठिकाणी डोले या विकेट वर सेट झाले प्रतीकला आता बॉल फुटबॉल सारखा दिसतोय त्यामुळे आले आल्या टिकेला असा मोठा फटका खेळणं अवघड जाईल त्यामुळे आता प्रतीकला 22 च्या रूपामध्ये या ठिकाणी स्ट्राइक मिळालेली आहे तर आता समीकरण असेल ते 16 चेंडू 22 धावा एक चांगला षटक आणि मॅच मध्ये रोमांच यावेळेस चेंडूवर आपली सुरेख बोट फिरवली आणि या ठिकाणी कुठेतरी प्रतीक सारख्या ऑन फायर फलंदाजाला थांबवण्याचं कार्य केलं ते नदीम यांनी चेंज ऑफ पेस अशी सुंदर सटीक गोलंदाजी काहीस व्हेरिएशन बघायला मिळालं यावेळेस समजू शकले आणि टोलवलंय लॉंगच्या दिशेला पण क्षेत्रक्षक उभे त्या ठिकाणी सुंदर क्षेत्रक्षण चांगला थ्रो एकच धाव कुठेतरी रोखलंय थांबवलंय अडवलंय जखडून ठेवलंय नगीन रिसोडिया संघाला नदी मोठा दिला नाही हॅलो मोठा हॅलो हॅलो पुन्हा एकदा त्याच प्रकारचा चेंडू आणि निर्णय देखील तोच म्हणजेच निर्धाव चेंडू सुंदर गोलंदाजी नदीम यांच्याकडून पुन्हा एकदा स्वतःला ऑफसाईडच्या दिशेने नेल तर चेंडू टोलवण्याचा प्रयत्न होता फलंदाजच्या दिशेनं परंतु चांगल्या प्रकारे चेंडू फळीवर आला नाही आणि त्या ठिकाणी मिळती ती एकच धाव आणि आता षटक समाप्त 6 षटकाच्या समाप्तीनंतर वाढलेली धावसंख्या ती 71 धावा 3 गड्याच्या मोबदल्यात आणि सुंदर असं षटक संपन्न केले ते नदीम यांनी आता बघूत कर्णधार विश्वास कोणावर ठेवतात कारण की 7वं षटक हे प्रगतीपथ आणि आता समीकरण असेल ते 12 चेंडू 20 धावा 12 गेंदे 20 रन चेंडू 20 धावा आणि काढशील का धावा आणि फलंदाजीवर आहे तो हॅलो आज आलेले आहेत गोलंद कर्णधाराने त्यांच्यावर विश्वास दाखवला आता त्या विश्वास कुठपर्यंत ते आपल्या खांद्यावर पावं लागन जिम्मेदारी कुठतरी आपल्या संघाला जिंकण्यासाठी काहीतरी वेगळं करावं लागन असेल तो अजीम यांचा सामना करेल तो टीके 22 चेंडू माफ करा 12 चेंडू आणि 20 धावा आणि अतुलजी आपल्या माईकची रेंज थोडीशी कट होते हे आपण रेंज मध्ये यायचं आहे यावेळेस सुरेख असा चेंडू आणि सुरेख फटका हा कसा शॉट होता आपली भूमिका कुठेतरी चुकीची केली मला असं वाटतंय त्यांना बसायचं काम नव्हतं कुठेतरी संघासाठी त्यांना त्या चेंडूला अडवायचं होतं हा शॉट असा मारला गेला होता की या शॉटवर क्षेत्र यष्टी रक्षकाला आपल्याला स्वतःला वाचवावं लागलं कारण की इतका जोरदार फटका होता अशा प्रकारच्या चेंडूला अडवण्यास फार कमी वेळ मिळतो अर्धा सेकंदही मिळाला नाही तिथे क्षेत्ररक्षकाला आणि ते 4 धावा पुन्हा ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न फाईन लेगचा क्षेत्ररक्षक असेल आणि इथे जोरदार अपील परंतु पंचांनी नाकारलंय आणि सुरेख दहा चेंडू 15 धावा
खरोखर सामना रंगतदार कुठेतरी प्रतिक्याने ताबडतोब फलंदाजी करून सामन्याला एक वेगळं वळण दिलं होतं, परंतु त्यानंतर आलेले चांगले षटक म्हणजेच खालेद नदीम आणि आता प्रगतीपथावर आहे ते सातवं षटक म्हणजे अजीम यांचं, अजीम अन्सारी मॅन फ्रॉम कंधार, सुरेख गोलंदाजी, एक चौकार आला ते पण त्याचा चांगला चेंडू होता, पण चांगल्या चेंडूवर चांगला फटकार आणि चेंडू गेला सीमापार। आता दोन चेंडूत पाच धावा खरचल्यात, पण आता समीकरण आहे ते 10-15, 10 रुपये घेत तुरतुरे, जो खाएगा उसका जुलूस निकाला जाएगा और जो बचाएगा उसका भी जुलूस निकाला जाएगा, जो खाएगा उसका रिसोर्ट में और जो बचाएगा उसका कंधार में, दोनों तरफ बजेंगे डीजे नगाड़े। पुन्हा एकदा अजिंचा चांगला चेंडू, क्षेत्ररक्षकामध्ये रनआउटचा चान्स आणि चांगली धावपट्टीवर धाव चोरली ती प्रतीक आणि टीके यांनी, पण काहीस या ठिकाणी प्रतीक नाराज होताना दिसतोय, फटका त्यांना मोठा खेळायचा होता, परंतु इनसाइड एज आणि कव्हर पॉइंटच्या दिशेने हातामध्ये चेंडू, चांगली क्षेत्ररक्षण, त्याचमुळे एकच धाव। आता सामना रंगतदार, 9 चेंडू 14 धावा काढशील का टीके भावा। आणि पुढचा गोलंदाज आहे तो म्हणजे अजीम अन्सारी, अजीम अन्सारी यांची सटीक टप्प्यावर सटीक गोलंदाजी, त्यांच्या विरुद्ध मोठे फटके खेळणं म्हणजे स्वतःचं कौशल्य वाढवण्यासारखं। आणि या ठिकाणी बघतो काय, सुंदर चेंडू डायरेक्ट चारोखाने चित दुंडी गुल, धन्यवाद डीजे। काय सुंदर चेंडू अजीम यांचा, कुठतरी वाटलं होतं कि या ठिकाणी नगिनारी सोडिया संघाची गाडी म्हणजेच समृद्धी हायवेवर 140-150 गतीने चालत आहे, ते लगेच आपलं लक्ष भेटतील, आपल्या लक्षापर्यंत पोहोचतील, परंतु या ठिकाणी खालेद नदीम आणि अन्सारी यांनी ती गाडी कुठेतरी समृद्धीहून खाली उतरवली आणि त्या गाडीला आता थोडस खराब रस्ता लागलेला आहे, कारण की मोठा या ठिकाणी झटका लागलेला आहे। आणि आता फलंदाजीवर आलाय तो टीकेच्या जागी शिवाजी देशमुख, आणि आता गोलंदाजी आहे ती अजीम अन्सारी यांची। काय सुंदर गोलंदाजी, काय उत्कृष्ट गोलंदाज, खरोखर कर्णधारांनी जे विश्वास दाखवला निर्णायक ओव्हर अजीमला देण्याचा, आणि त्या विश्वासावर कुठेतरी अजीम सक्सेसफुल आपली गोलंदाजी कंप्लीट करतोय। तर समीकरण आहे 8 चेंडू 14 धावा, 8 गेंदे 14 रन, काफी बेहतरीन मुकाबला। अगली गेंद अजीम की, सामना करेंगे शिवाजी। आणि कटशॉट, खेळाडू उपस्थित, आणि काय सुंदर क्षेत्ररक्षण, खरोखर चेंडू जात होता कुठं डिक्लेअर झोन मध्ये, मिळाले असत्या 2 धावा, परंतु डिक्लेअर झोनच्या अधोगरच आपला हात घातला, चेंडूला थांबवलं आणि फेकलं यष्टीरक्षकाच्या हातात, आणि स्वतः आपल्या संघासाठी 1 धाव वाचवली। काय सुंदर या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण, 100% आपलं कर्तृत्व बजावत आहे ती म्हणजेच रॉयल कंधार हा संघ। आता जाऊता सामन्याकडे, 7 चेंडू 13 धावा काढशील का भावा, 7 गेंदे 13 रन, और ये बड़ा प्रहार, छत्रपतीचा छावा, मिळाल्या 6 धावा, प्रतीक ऑन फायर डीजे। निकली तेरी शूल वाले,
काय सुंदर या ठिकाणी गोलंदाजी झाली अजिम कडून, एक मोठा फटका आला, पण गोलंदाज कितीही चांगला का असेना एका षटकामध्ये त्याचा एखादा मोठा फटका येणारच, परंतु या वेळेला अशा हाय वोल्टेज मुकाबल्यामध्ये या प्रेशरमध्ये त्याने सुंदर अशी गोलंदाजी केली मी तर असं म्हणतो. तर आता जाऊ त्या सामन्याकडे, शेवटचं षटक, शेवटच्या 7 चेंडू घेऊन येतोय तो उभेद, जर्सी नंबर 10 म्हणजेच कंधारचा सचिन तेंडुलकर मानला जाणारा उभेद आलाय आता गोलंदाजीवर आणि सामना करेल तो शिवाजी. आणि समीकरण आहे तो 6 चेंडू 7 धावा, एक मोठा फटका आणि मॅचचा दिशा बदलू शकतो किंवा चांगले 2-3 चेंडू आणि पुन्हा मॅच मध्ये रोमांच येऊ शकतो. तर बघू उभेद आपल्या गोलंदाजीची कशा प्रकारे या ठिकाणी कौशल्य दाखवतोय. 6 चेंडू 7 धावा कडक कार्यक्रम आहे भावा. पुढचा चेंडू उभेद यांचा, सामना करेल शिवाजी, शिवाजी द बॉस. 6 चेंडू 7 धावा आणि मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, खिलाडी उपस्थित आणि त्या ठिकाणी प्रतीक कुठेतरी पडलाय, निसटलाय, आपटलाय, कृपया पंच त्यांना पहा. आणि एक सांगू इच्छितो पंच, आता विकेटहून पळाल्याच्या नंतर आपल्याला पेनॉल्टी नाही लागणार, कारण की निर्णायक मुकाबला आहे, कोणाची हानी नाही हो, परंतु आपण विकेटहून पळणार नाही याची आपण काळजी घ्यावं. म्हणजे कसं असतंय, सूट दिल्याच्या नंतर माणसानं ते म्हणतात ना, बोट दिलं तर गळा धरू नये, त्या प्रकारे कार्यक्रम वाजू नये, विकेटहून पळू नये. तर या ठिकाणी जाऊ सामन्याकडे, प्रतीक ओके आहे असं पंचांनी सांगितलंय. तर प्रतीकचं प्रतीक या ठिकाणी सुंदररित्या रामलीला मैदानावर कुठतरी गाजत आहे आणि एकटाच गडी या सामन्याची म्हणजे नगीना रिसोड या संघाची गाडी खेचत आहे. तर बघू तर आता जाऊ तर सामन्याकडे, 5 चेंडू 6 धावा, एक मोठा फटका किंवा एक चांगली विकेट, बघू शकतो काय होते. आणि सामना सुंदर क्षेत्ररक्षण करण्याचा प्रयत्न, परंतु अशा निर्णायक आणि अशा हाय वोल्टेज आणि अशा प्रेशर मध्ये अशी कॅच पकडणं गरजेचं असतं, पण कुठेतरी ते पाय घसरला, नशिबानं साथ नाही दिली, त्यामुळं सीमारेषा पार आणि चौकार. आता 4 चेंडू 2 धावा, त्या खेळाडूची काही चूक नाही, नदीम हा सुंदर गोलंदाज आहे, परंतु त्याच्या नशिबाने आज त्याला साथ नाही दिली, त्याचा पाय सटकला आणि तो झेल सुटला आणि चेंडू सुद्धा सीमारेषा पार जाऊन टेकला. पुढचा चेंडू अभेद यांचा, सामना करेन शिव प्रतीक. पुढे निघून टोलवला 2 गड्याच्या मधातून आणि चेंडू जातोय सीमा. कॉंग्रॅच्युलेशन रिसोड आणि हॅडलक रॉयल कंधार, आपण चांगला खेळ दाखवला रॉयल कंधार, आम्ही आपले अत्यंत आभारी आहोत. आणि त्यापेक्षा सुंदर खेळी केली ती नगीना रिसोड यांची. आणि आता या नंतरचा हाय वोल्टेज मुकाबला, जखमी शेर अकोला विरुद्ध हंसराजे क्रिकेट क्लब उदगीर, दोन्ही संघ एक एक विजय घेऊन मैदानात आपली विदर्भ टायगर. मॅन ऑफ द मॅच नक्कीच नन अदर दॅन प्रतीक. 27 चेंडू 72 धावा, 27 चेंडू मध्ये 72 धावा करणारा प्रतीक ठरतोय या संघाचा मॅन ऑफ द मॅच. आणि प्रतीकला विनंती असेल आपण मॅन ऑफ द मॅच घेण्यासाठी, त्वरित येथे मान्यवर बसलेले आहेत, त्यांच्या हस्ते आपल्याला मॅन ऑफ द मॅच देण्यात येणार आहे. आपण मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार घेण्यासाठी त्वरित यायचं आहे. प्रतीक 72 धावा करणारा प्रतीक,
पुढचा हाय व्होल्टेज सामना होणार आहे. प्रतीक प्रतीक आहे मॅन ऑफ द मॅच. 72 धावा करणारा प्रतीक आपण मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार घेण्यासाठी यायचंय त्वरित. Maya tujhi abrambar, deva maya tujhi abrambar.